बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, क्या हाल है? ठीक है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स है वो ठीक होंगे इंशाल्लाह। आप अपने ख्याल रखिए, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस से हम FON की जो सेकंड सेमेस्टर की स्टडी है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये है, ये मैं आपको एक बात करूँगा कि ये थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअली हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमने बुक से और इसी तरीके से टीचर से मुख्तलिफ़ किस्म की पॉइंट नोट्स किया हुआ है, और मैं आपको ये पॉइंट्स स्लाइड में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ रहिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर थे वो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस के है, ठीक है। तो ये नर्सिंग प्रोसेस इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आने वाले जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो उनमें सबसे पहले जब यूनिट ख़त्म होगा तो नर्सिंग, हर डिजीज़ पे आप नर्सिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ये एक पेशेंट के लिए नर्सिंग, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ठीक है, मैं आपके साथ वो पॉइंट भी क्या शेयर करूंगा जो हमने नोट किए हैं, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हम बेसिक से करेंगे, तो आप ये बेसिक जानिए, ठीक है, और अपने आप को भी क्या करें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, थर्ड नंबर आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, फोर्थ नंबर डिस्कस द रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, फाइव डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू द नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे पास ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है ये हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस किया है, तो नर्सिंग प्रोसेस इज अ डायनामिक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड यूज इन द नर्सिंग प्रोफेशन टू असिस क्लाइंट नीड एंड क्रिएट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू एड्रेस द एंड सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस क्या है कि एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब ये है कि पेशेंट पेशेंट टू पेशेंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स है वो हमारे पास रिमेन द सेम रहेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो डायनामिक फॉर्म है और ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। तो मॉडिफाइड इसीलिए है कि हम जब क्लाइंट के आमने सामने हो जाते हैं तो फिर हम एक कंडीशन को फिक करते हैं कि इस वक्त इस पेशेंट के लिए कितना, और मतलब कितना इफेक्टिव प्रोसेस हम करेंगे। तो वो क्या है कि ये हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस है, ठीक है। और नर्सिंग प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हम क्लाइंट को क्या कर लें, असेस कर लें, और उनकी जितने भी मतलब प्रॉब्लम में वो मुबतला है तो उनके लिए हम एक कोर्स क्या कर लें, अपने माइंड में क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, ठीक है। तो और जो हमारे पास डिफिनेशन है, तो एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स यूज टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज एंड टू मैनेज द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ क्लाइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइज फॉर्म है, ठीक है। ऑर्गेनाइज इसका मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब पे, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है, ठीक है, कि हम एक क्लाइंट की हेल्थ को मैनेज करें किसी तरीके से, जो क्लाइंट अपने क्यों इलनेस की कंडीशन में है तो उनको कैसे उससे दूर किया जाए, और उसकी जो मैनेजमेंट है हेल्थ की तो हम कैसे करेंगे, तो हम नर्सिंग प्रोसेस में करेंगे, ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट के लिए ये जो पहला वाला जुमला है ये आप याद रखें, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज स्टेप्स का जो जुमला है ना, तो ये आप याद रखें। इसी तरीके से केमयू उठाते हैं और पेपर में आपको दिए दे जाते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्सेप्टेंस फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस इस्टेब्लिश बाई द अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, ठीक है। तो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस जो है उसकी उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये किसने किया है, कि एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और एस्टेब्लिश किया है। तो हमारे पास ये अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने किया है कि ये एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ANA किया है, कि नर्सिंग प्रोसेस किसने एक्सेप्ट किया है, ANA, ठीक है, अमेरिकन नर्स एसोसिएशन। फिर हमारे पास आते हैं कि पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तो ये भी याद रखें कि नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस क्या है। तो पर्पस आपको जरूर आना होगा, टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम आर नीड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे क्लाइंट की वो जो किस हम जब असिस करेंगे क्लाइंट उस वक्त वो एक्चुअल किस मतलब बीमारियों में मुबतला है, और जो आने वाली बीमारियां हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। फिर टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड, तो हम क्या करेंगे फिर उनकी जो भी जितने भी मतलब उनको नीड होती है ना, तो वो हम क्या करेंगे उनके लिए प्लान करेंगे कि किस तरह एक पेशेंट को ये मतलब नीड है वो कैसे उनको मिल जाए, ठीक है। तो इफेक्टिव वे हम यूज़ करेंगे कि वो क्या हो जाए, उनको अपना नीड मिल जाए।
टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड। ठीक है, तो हमारे पास ये स्पेसिफिक इंटरवेंशन इसलिए उसने बताया कि हर क्लाइंट के लिए और हर बीमारी के लिए हम अलग अलग क्या करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास पर्पस इज टू प्रोवाइड क्लाइंट केयर दैट इज इंडिविजुअल होलिस्टिक इफेक्टिव और एफिशिएंट। ठीक है, तो हमारे पास हम जो नर्सिंग फ्रासेस अप्लाई करेंगे ना, तो ये भी आप याद रखें कि ये जो फोर्थ मतलब इंडिविजुअल हम क्या करेंगे, हर एक पेशेंट की अपनी अपनी और अपने अपनी डिजीज़ की क्या करेंगे, हम केयर करेंगे और नर्सिंग प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, और होलिस्टिक केयर भी हम करेंगे। होलिस्टिक केयर का मतलब यही है कि हम ए टू जेड उनकी क्या करेंगे, केयर करेंगे। ठीक है, और इफेक्टिव का मतलब यही है कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं तो वो उनके लिए उन पर असर करते हैं या नहीं करते। ठीक है, और एफिशिएंट का मतलब ये है कि ये है क्या कि फायदेमंद है उनके लिए कि नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, एमसीक्यू में आते हैं कि ये पर्पस क्या है वो आपको दे रहा है, तो ये फोर आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या है, तो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस के जितने भी कंपोनेंट है वो हमारे पास ये कहे है कि द नर्सिंग प्रोसेस यूटिलाइज द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि असेसमेंट डेटा कलेक्शन हम करेंगे, ये हमारे पास 5 स्टेप्स है। तो आप ये याद रखें कि नर्सिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स है या मेन जो स्टेप्स है वो हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, सबसे पहले असेसमेंट है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस है, प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है और इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो ये हम एक एक पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जो आप अभी इस वक्त आपको ये आना चाहिए कि 5 कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैं जो आपको ये डिफिनीशन में डायनामिक का वर्ड बता रहा था, तो ये 2 लाइन जो है कि स्टेप्स रिमेन द सेम एन इम्प्लीकेशन विल बी डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि स्टेप्स रिमेन होंगे, 5 स्टेप्स हर डिजीज के लिए मतलब हर क्लाइंट के लिए हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये तो होगा। ठीक है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन का मतलब ये कि जो बीमारी में वो मुबतला है तो बीमारियां तो मुख्तलिफ होती है, तो इसीलिए उनकी एप्लीकेशन और रिजल्ट जो है वो डिफरेंस होगा। ठीक है, फिर ये हमारे पास आते हैं कि कंपोनेंट, ये उसने एक सर्कल लिया कि सबसे पहले असेसमेंट होगा, फिर इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस होगा, फिर प्लानिंग होगा, फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर उसकी जो दोबारा रीअसेसमेंट है या मतलब इवाल्वेशन है, तो हम उनकी इफेक्टिव और इंडिविजुअल ये चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है नर्सिंग प्रोसेस की, तो नर्सिंग प्रोसेस हमारे पास लाजिम क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, तो साइक्लिक का मतलब यही है कि वो रिवॉल्व होगा, मतलब असेसमेंट से लेके इवाल्वेशन तक, फिर असेसमेंट से लेके इवाल्वेशन तक, इसी तरीके से ये क्या होगा, एक साइक्लिक फॉर्म में होगा। ठीक है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इसी तरह इवाल्वेशन, फिर ये हमारे पास असेसमेंट, इसी तरीके से क्या होगा, ये रिवॉल्व होगा। ठीक है ना, फिर हमारे पास आती है डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर, हाँ वो भी हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन डिफरेंस होते हैं मतलब, और जो स्टेप्स है वो रिमेन होगा। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड होगा, तो ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो आप इसको ऐसा याद करें कि हमने जो पहला पढ़ा वो फर्फस था। ठीक है, फर्फस भी था, और इसी तरीके से ये इस वर्ड्स को देखिए कि करेक्टरिस्टिक क्या है, साइक्लिक है, डायनामिक है, सेंटर क्लाइंट है, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होगा कि क्लाइंट हमारा मेन मकसद है, उनको उनकी उनकी जो हेल्थ है वो क्या होगा, वो अच्छे से अच्छा क्या होगा, मतलब गुजरना उनको मतलब होगा। ठीक है, तो आपका एज ए नर्स मकसद क्या होगा, कि आपका मकसद क्लाइंट होगा। ठीक है, कि वो कैसे कंफर्टेबल रहेगा। फिर हमारे पास आते हैं कि फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि प्रॉब्लम की हम में ये कैपेबिलिटी लाजिम होना चाहिए। ठीक है, कि हम क्या करें कि डिसीजन कह रहे कि और डिसीजन अपने डिसीजन के बिना पे ये जो जो भी प्रॉब्लम हो वो क्या करें, सॉल्व किया जाए। ठीक है, फिर हमारे पास इंटरपर्सनल एक कोलाबरेटिव स्टाइल रहेंगे। ठीक है, तो हम लाजिम क्लाइंटर पर्सनल का मतलब ये है कि क्लाइंट्स और नर्स के दरमियान क्या करेंगे, ये नर्सिंग प्रोसेस जो है वो क्या करे, नर्सिंग प्रोसेस एक क्लाइंट के लिए क्या होगा, कोलाबरेटिव स्टाइल में होगा। ठीक है, उनके उनको हाँ आप क्या करें, मदद करेंगे। ठीक है ना, फिर हमारे पास आते हैं कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा, तो ये भी याद रखें कि ये नर्सिंग प्रोसेस फ्यूचर के लिए जो गोल होगा वो हमारे पास यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब यही है कि अगर इस मतलब आप पाकिस्तान से अमेरिका भी चला जाए ना, तो नर्सिंग प्रोसेस किया जाए तो सेम होगा। ठीक है, और इसका मकसद ये है कि ये छोटे के लिए, बड़े के लिए और मतलब एडल्ट के लिए ये सेम है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस हम सेम अप्लाई करेंगे। ठीक है, छोटे पे भी और बड़े पे भी, बड़ों मतलब लोगों पे भी। यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। ठीक है, तो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का ये भी करेक्टरिस्टिक है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये भी इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है। फिर हमारे पास आते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास पहला जो स्टेप था वो हमारे पास असेसमेंट है। तो असेसमेंट क्या है कि इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द डेटा। ठीक है,
तो ये पोर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये भी हम पढ़ेंगे एक एक, ठीक है। असेसमेंट इज द साइंस सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन इसका क्या, हमारे पास असेसमेंट है, ठीक है। तो असेसमेंट में हम क्या करेंगे, असेसमेंट में हम ऑर्गेनाइज डेटा को कलेक्शन करा देते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करा देते हैं, और उसकी जो दोबारा चिकन होती है, और इसी तरह हम डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो ये भी आपको याद रखना है कि असेसमेंट की जो टाइप्स है वो हमारे पास कितने हैं, फोर हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें, ठीक है, कि असेसमेंट की जो टाइप्स है वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास फोर है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि इनिशियल असेसमेंट होगा, फिर हमारे पास प्रॉब्लम असेसमेंट होगा, फिर हमारे पास एक इमरजेंसी असेसमेंट होगा, और जो फोर्थ नंबर है वो हमारे पास टाइम लैप्स असेसमेंट होगा। फिर उसकी अल्टीमेट प्रोसेस, उसका मतलब यही है कि डेटा कलेक्शन उसका मकसद होगा, ठीक है। जो असेसमेंट का मकसद यही है कि डेटा को क्या करें, असेस मतलब क्या करें, कलेक्टिंग कलेक्टिंग किया जाए, ठीक है। तो ये फोर जो है, लेकिन ये कंडीशन के बेस पे आप उसने क्या कि डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आपको याद रहे कि असेसमेंट के टाइप्स कितने हैं, फोर हैं। इनिशियल असेसमेंट क्या है, परफॉर्म विद इन स्पेसिफिक टाइम आफ्टर एडमिशन, अगर एक बंदा एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, तो फिर जब असेसमेंट करेंगे तो उनको हम इनिशियल असेसमेंट कहेंगे। टू एस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कंप्लीट जो डेटाबेस होते हैं ना, क्लाइंट की जो हिस्ट्री होते हैं ना, पहले उस पर किस क्या गुजर गया, आज रात भी क्या गुजर गया, और आने तक आप क्या करेंगे, उसे इनिशियल असेसमेंट देंगे, कंप्रेहेंसिव असेसमेंट हम भी उनको कहते हैं। तो ये अभी याद रखें कि इनिशियल असेसमेंट को दूसरा नाम कंप्रेहेंसिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल उसकी क्या है कि नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट, जब एक क्लाइंट एडमिट होते ना, तो उस दरमियान उस वक्त हम एक असेसमेंट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनिशियल असेसमेंट होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट क्या है, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड एंड इन अर्लियर असेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल हाउ अर्ली चिटकिंग वाइटल साइन ऑफ अ पीओ, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट वो असेसमेंट होगा जो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई वो पहले से आइडेंटिफाई हुआ हो, और वो आप क्या करें, मैनेज करें, ठीक है। उसका एग्जाम्पल ये है कि अगर एक क्लाइंट आपको आया, ठीक है, और उनकी आप हाउ अर्ली चिटकिंग करेंगे उसकी वाइटल साइन की, पीओ की, तो क्या करेंगे, तो उनको हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट करेंगे कि आइडेंटिफाई हुआ हो और अर्ली असेसमेंट हुआ हो, फिर उसके बाद उनको क्या करेंगे, चेकिन करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं इमरजेंसी असेसमेंट, तो इमरजेंसी असेसमेंट वो असेसमेंट होते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई एनी टाइम एनी लाइफ थ्रिएटिंग सिचुएशन, ठीक है। तो हमारे पास अगर जिंदगी में कोई भी ऐसा थ्रिएटिंग सिचुएशन हो, मतलब एक खतरनाक कंडीशन भी हो, और क्या हो, मतलब जल्दी वाला कंडीशन हो, सिचुएशन हो, तो उनको हम क्या करें, इमरजेंसी असेसमेंट कहेंगे। उसकी एग्जांपल यही है, एग्जांपल भी आप याद रखें, ठीक है। रैपिड असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एयरवे ब्रीथिंग स्टेटस एंड सर्कुलेशन ड्यूरिंग ए कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अगर एक पर्सन को क्या हो, एयरवे ख़राब हो, ठीक है, और वो क्या करे, रैपिडली वो ब्रीथ करा रहे, तो उसको हम जल्द उनको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक बंदे को क्या हो, कार्डिक अरेस्ट हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो उनको भी हम क्या करेंगे, पहले और प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास टाइम लैप असेसमेंट, टाइम लैप असेसमेंट क्या है, सेवरल मंथ आफ्टर इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर द क्लाइंट करंट हेल्थ स्टेटस विद द डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन, ठीक है। तो हमारे पास एक पर्सन क्या हो कि महीनों बाद वो आ जाए और आपके साथ क्या करे, असेसमेंट करे, ठीक है। इनिशियल मतलब एक असेसमेंट अभी हुआ और फिर 2 महीने बाद आया और दोबारा चेक किया, तो हम जो इनिशियल असेसमेंट है वो और जो 2 महीने बाद आया वो हम कंपेयर करेंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम कहेंगे टाइम लैप्स असेसमेंट, ठीक है, कि हम कंपेयर करें करंट जो डेटा है और जो प्रीवियस डेटा था, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि उसकी कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट हमने पहले भी पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, वैलिडेशन ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो हमारे उसके पहला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, कि हम क्लाइंट की क्या करें, इंफॉर्मेशन उसे मतलब हासिल करें, ठीक है, उसकी हेल्थ की स्टेटस के बारे में हम क्या करें, कलेक्शन ऑफ डेटा करें। इट इंक्लूड द हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रिजल्ट ऑफ लेबॉरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मटीरियल कंट्रीब्यूट टू अदर हेल्थ पर्सनल, ठीक है। तो हमारे पास ये सब मतलब जो कोलाबरेटिव स्टाइल है, और इससे हम डेटा कलेक्शन करेंगे। फिर हमारे पास क्या है कि हेल्थ हिस्ट्री करेंगे, उससे हम डेटा कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन से हम करेंगे, और लेबॉरेटरी रिजल्ट हो गया, इसी तरीके से हम
क्या करेंगे, मटेरियल को जमा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा उनको कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा हम कितने टाइप्स पे कलेक्ट करा देते हैं, ठीक है। वो हमारे पास, हमने जो पहले आपको पढ़ा कि पोर्ट टाइप्स ऑफ असेसमेंट है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि कलेक्शन मतलब उसकी कंपोनेंट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा। फिर हमारे पास डेटा की कितने टाइप्स है, तो हमारे पास टू टाइप्स है, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। तो ये आपको लाजमी याद होना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये आपकी बेसिक है, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा आल्सो रेफर टू अ सिम्पटम आर अ कवर्ड डेटा आर अ क्लियर ओनली टू द पर्सन इफेक्टेड एंड कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाई अ पर्सन दैट पर्सन। एचिंग पेन एंड फीलिंग आप पूरी आर एग्जाम्पल आप सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है, उनको हम दूसरा नाम कहते हैं सिम्पटम, तीसरा नाम उसको हम देते हैं कवर डेटा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, पेपर में वो आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं देता, वो आपको कवर डेटा, इसी तरीके से सिम्पटम डेटा से आपको कन्फ्यूज कराते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है कि एक फैशन आपको डिस्क्राइब करे, आपको खुद बताए कि हमको ये हुआ ये हुआ, ये हमें महसूस हो रहा है, ठीक है। तो फैन हम बाय हम डिटेक्ट नहीं करेंगे, पेशेंट खुद डिटेक्ट करेंगे, वो बता देंगे, बताएंगे कि हमको इतना मतलब इसी सेवेयर पेन है, मॉडरेट पेन ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है कि पेशेंट वो आपको खुद बताएंगे। फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा, तो ऑब्जेक्टिव डेटा आल्सो रेफर टू अ साइन इज अ साइन कवर डेटा आर डिटेक्टेबल बाई एन ऑब्जर्व आर कैन बी मैयर आर टेस्टेड अगेंस्ट एन एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हमारे पास वो डेटा होते हैं जो कि आप देखेंगे, वो जो पेशेंट बताते हैं उन पर आप इस बार नहीं करेंगे, जो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो उनको हम जो आप देखेंगे उस डेटा को हम क्या करेंगे, उनको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो दे कैन बी सीन आप या तो देखते हैं, वो आपको क्या करें, हेल्प करेंगे मतलब फेल करेंगे या महसूस करेंगे, ठीक है, सुनेंगे देखेंगे, ठीक है। फिर आर स्मेलिंग और आप क्या करेंगे कि स्मेल करेंगे एंड दे आर ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन आर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल अ डिस्कलरेशन ऑफ अ स्किन आर अ ब्लड प्रेशर रीडिंग इज ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल भी आपको याद रखना चाहिए कि अगर एक पर्सन की स्किन को क्या हुई कि वो डिस्कलराइज हुए, तो उनको हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है। और अगर जितने भी वाइटल साइन है, फाइव वाइटल साइन है, तो सब के सब अलावा इसके फोर वाइटल साइन है, लेकिन फाइव जो पेन वाला वाइटल साइन है, तो फाइव फिन से अलावा जो फोर वाइटल साइन है वो हम थ्रू ऑब्जेक्टिव डेटा करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर उसकी एग्जाम्पल दिए, तो हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि सोर्स ऑफ डेटा कितने हैं, तो सोर्स ऑफ डेटा हमारे पास क्या है कि टू टाइप्स के हैं। प्राइमरी डेटा इट इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, द क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। सेकेंडरी प्राइमरी डेटा वो डेटा होते हैं ताकि आप डायरेक्ट पेशेंट से लेंगे, ठीक है। तो जब आप एक पेशेंट से डायरेक्ट डेटा लेते हैं तो उनको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा क्या है, इट इज द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर सोर्सेज अदर देन द क्लाइंट आर कंसिडर सेकेंडरी डेटा, फैमिली मेंबर, हेल्थ प्रोफेशनल रिकॉर्ड देन रिपोर्ट, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स एंड टेस्ट रिजल्ट और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। देखिए कि हमारे पास क्लाइंट के जितने भी डेटा, क्लाइंट से अलावा जितने भी सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी डेटा कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। फिर उसकी जो मेथड होते हैं ना, तो मेथड आपको याद रखना चाहिए, ये एमसीक्यूज में आया है, ठीक है, कि जितने कि हमारे पास मेथड ऑफ डेटा कितने हैं, ठीक है। तो हमारे पास फोर मेथड है डेटा कलेक्शन के, ठीक है। एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, फॉल्सेशन है, परकशन है और एस्कल्टेशन है। तो ये हम इंटरव्यू में क्या करेंगे, ये फोर टाइप्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब यही है, द नर्सेज यूज अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज द असेसमेंट डेटा सिस्टमिकली। तो फिर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इसी तरीके से करेंगे कि सिस्टमिक वाइज हम क्या करेंगे, डेटा को तरतीब देना हम किस तरीके से देते हैं, सिस्टमिकली, ठीक है। दिस इज ऑफ्टन रेफर टू एज ए नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री और अ नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये भी ये जो आखिरी सेंटेंसेस है, तो ये भी आप याद रखें, ठीक है, कि हम जब क्या करें कि नर्सिंग की जो हेल्थ हिस्ट्री होते हैं, ठीक है, या क्लाइंट की जो हेल्थ हिस्ट्री होते हैं, जब हम ले लेते हैं, तो किस किस के जरिए ऑर्गेनाइज करेंगे, नर्सिंग की अपनी हेल्थ हिस्ट्री फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम उसकी मतलब बेस पे हम सिस्टमिकली ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर हमारे पास वैलिडेशन ऑफ डेटा है, वैलिडेशन ऑफ डेटा क्या है कि द इंफॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट इज डबल चेक और वेरीफाइड टू कंफर्म दैट इट इज अकोरेट एंड कंप्लीट, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे
हमने क्लिक किया, फिर दोबारा उसको चेकअप करना है या कंफर्म करना है, तो किसका काम? तरल हमारे पास कंपोनेंट है असेसमेंट के, ठीक है। तो वैलिडेशन ऑफ डेटा का मकसद ये है कि एक इंफॉर्मेशन को दोबारा चेक करना, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुआ। फिर हमारे पास क्या हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? टू कम्प्लीट द असेसमेंट फेज द नर्स रिकॉर्ड क्लाइंट डेटा। अकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन इज इसेंशियल एंड शुड इंक्लूड ऑल डेटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट एंड हेल्थ स्टेटस, ठीक है। तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करेंगे तो बाद में जो जितने भी आप प्लानिंग करेंगे, मतलब डायग्नोसिस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो ये आप ठीक उनकी रिजल्ट जो इवैल्यूएशन है वो आपको आएगा। लेकिन अगर असेसमेंट फेज आपने कोई मिस्टेक हुआ हो तो वो क्या करेंगे, बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं सेकंड जो स्टेप है, वो हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस के है, ठीक है। तो हम किसी तरीके से डायग्नोसिस करेंगे एक क्लाइंट्स के लिए, तो डायग्नोसिस इज द सेकंड फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। तो ये सेकंड फेज है नर्सिंग प्रोसेस के। इन दिस फेज नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू इंटरप्रेट असेसमेंट डेटा टू आइडेंटिफाई क्लाइंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारे पास ये सेकंड स्टेज है या सेकंड फेज है नर्सिंग प्रोसेस के, कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग यूज हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लें कि क्रिटिकल थिंकिंग हम किस फेज में यूज करेंगे, तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस में, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि असेसमेंट डेटा को मतलब इंटरप्रेट करेंगे, ता उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लाइंट को किसी वजह से और किस तरीके से, मतलब क्या है कि डिजीज़ हुआ है, ठीक है, या मतलब उनके लिए डायग्नोसिस क्या है। तो नांदा ने डिफाइन एंड रिफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस। द ऑफिशियल नांदा डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस एज, तो नांदा एक क्या है कि कम्युनिटी है कि नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से, मतलब एक नर्सिंग डायग्नोसिस असेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये उसने बताया है कि, तो नांदा की जो एब्रिविएशन है वो हमारे पास नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन के है। तो एक क्या है कि एक मतलब एसोसिएशन है कि उसने डिफाइन किया हुआ है किस चीज़ को, डायग्नोसिस को। तो क्लिनिकल जजमेंट अकॉर्डिंग कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन, लाइफ प्रोसेस आर अवर्नेबिलिटी फॉर देट रिस्पॉन्स बाई इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप कम्युनिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये नर्सिंग डायग्नोसिस एक क्लिनिकल जजमेंट है जो कि हम करेंगे क्लाइंट की कंडीशन को मालूम करने के लिए कि इस वक्त उसकी कंडीशन या उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्स की जो रिस्पॉन्स करा रहे हैं। अवर्नेबिलिटी का मतलब है कि उसकी जो कमजोर कमजोरी है, और इस वक्त उनके लिए करके क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल हेल्प देंगे, ठीक है, ताकि वो अगर फैमिली हो, कम्युनिटी हो, ग्रुप हो और एक इंडिविजुअल हो, तो सब हम सब के लिए करके क्या करेंगे, हेल्प देंगे, कमज़ोरों का है मतलब एज अ हेल्पर बनेंगे। डायग्नोसिस इज टू एनालाइज डेटा, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ, फार्मूलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये थ्री जो कंपोनेंट है, ये हमारे पास क्या है कि डायग्नोसिस के कंपोनेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। तो स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, स्टेटस रेफर्स टू द वल्नरेबिलिटी आर अ पोटेंशियली ऑफ द डायग्नोस्टिक ऑन द कैटेगराइजेशन ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो हम ये क्या करें कि ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टेटस है वो, मतलब जो एक्चुअली वो किस मसले में है, तो वो हम क्या करें नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे, या मौजूद इस वक्त में कौन सी मतलब बीमारी में मुबतला है, या आने वाले जितने भी पोटेंशियलिटी मतलब रिस्क है, तो वो हम क्या करेंगे कैटेगराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्नोसिस। तो नांदा इंटरनेशनली 2009 में वो बताया है कि द काइंड ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू द स्टेटस कितने हैं, कि हमारे पास स्टेटस के बेस पे नर्सिंग डायग्नोसिस 6 है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिक्स है, सबसे पहले एक्चुअल है, हेल्थ प्रमोशन है, तीसरा रिस्क है, फोर्थ वेलनेस है, फाइव पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस है, सिक्स जो है हमारे पास सिक्स सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास वो डायग्नोसिस है, एन एक्चुअल डायग्नोसिस इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग असेसमेंट। एग्जांपल आर इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न एंड एंजाइटी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सिचुएशन साइन एंड सिम्टम, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस है जो कि प्रेजेंट है, क्या है असेसमेंट के वक्त जो प्रेजेंट है उनको क्या हम क्या करेंगे, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस है। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस रिलेटेड टू क्लाइंट प्रिपेयरनेस टू इम्प्लीमेंट बिहेवियर टू इम्प्रूव दियर हेल्थ कंडीशन, दिस डायग्नोसिस लेबल बिगिन विद द फेज
मतलब फ्रेज रीडीनेस फॉर एनहांस एंड रीडीनेस फॉर एनहांस न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारे पास हेल्थ प्रोमोशन यही है कि हम क्या करें कि क्लाइंट को प्रिफेयर करें ताकि क्या हो जाए, उनकी हेल्थ क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो उस इम्प्रूवमेंट के करने के लिए फॉर एग्जांपल उसका एक ये न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं तो उनकी न्यूट्रिशन इन्हांस करें, या तो मतलब रीडिंग वगैरह ये चीज़ क्या करें उनको इन्हांस किया जाए, मतलब उनकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उनको इन्हांस करना, उनको हम हेल्थ प्रोमोशन कहते हैं, हेल्थ प्रोमोशन डायग्नोसिस उनके लिए करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं कि रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस द क्लिनिकल जजमेंट दैट अ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, बट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इंडिकेट दैट इज अ प्रॉब्लम इज लाइकली टू डिवेलप अनलेस नर्सिंग इंटरवेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि नर्सिंग डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस है कि अगर वो एक क्लिनिकल जजमेंट है, ठीक है, वो मतलब मुबतला नहीं होते इसमें, लेकिन वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं होते, लेकिन आने वाले वक्तों में उनके लिए ये प्रॉब्लम बन जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम रिस्क के नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल उसने दिया है कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा बंदे हैं और अस्पताल में आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, एक मतलब ज़्यादा बंदे जब एक जमा अकोमोडेट हो जाते हैं तो वो रिस्क है किस लिए, ताकि डिजीज़ ट्रांसमिशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर अस्पताल में बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं, मतलब एक बंदा बीमार हो और 10 उनके साथ आते हैं, तो क्या हो, तो वो डिजीज़ स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो, ठीक है। तो इसने एग्जांपल दिया है, आप खुद पढ़ ले, ठीक है। फिर हमारे पास ये कि वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस इट इज़ अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ वेलनेस टू अ हायर लेवल ऑफ वेलनेस, फॉर एग्जाम्पल फैमिली कोपिंग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमारे पास वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस है ताकि एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मतलब लेवल ऑफ वेलनेस से हम हायर लेवल को क्या हो जाए, चला जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि एक फीमेल है और वो क्या, वो ट्विंस जो है वो क्या कर ले, बर्थ किया जाए, तो हम ट्विंस करना, ये हमारे पास वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस में आते हैं कि लेकिन नॉर्मली एक बच्चा वो डिलीवर करना होता है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बर्थ जो होते हैं ट्विंस के, तो हमारे पास वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस आते हैं और उससे ये पता चलता है कि उनकी जो माँ है वो अच्छी तरीके से अपना डाइट और मतलब न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस तो इट डिस्क्राइब अ सस्पेक्टेड प्रॉब्लम फॉर विच करंट एंड अवेलेबल डेटा आर इनसफिशिएंट टू वैलिडेट द प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल पॉसिबल सोलूशन पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन इथियोलॉजी, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब ये है कि जो डेटा उस आपने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वो डेटा क्या है कि वो इनसफिशिएंट है, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी होता है, ठीक है, तो उसी वजह से उनकी जो इथियोलॉजी है, उनकी जो काज है, वो सही तरीके से आप इवोल्व नहीं करेंगे, मतलब जो डेटा आपने लिया है उसमें कोई ना कोई कमी है, ठीक है, इसलिए उसको वैलिडेट करना है ताकि प्रॉब्लम की जो एथियोलॉजी है वो निकल आ जाए। तो वो नर्सिंग डायग्नोसिस को हम, अगर एक नर्स ऐसा है कि उसने डेटा लिया लेकिन कोई ना कोई मसला है, वो नहीं मतलब कंफर्म नहीं लिया उसने, तो वो क्या है, तो उसको मतलब वैलिडेटेड करना, तो इस नर्सिंग डायग्नोसिस को हम पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस कहते हैं, जो अवेलेबल डेटा जो है वो हमारे पास इनसफिशिएंट हो, ये वर्ड याद रखिए, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस दैट फ्रीक्वेंटली गो टुगेदर एंड प्रेजेंट अ क्लिनिकल फ्यूचर, ठीक है। तो हमारे पास सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस वो डायग्नोसिस होते हैं कि एक क्लिनिकल पिक्चर उनके उनके मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल उसके है क्रॉनिक पेन सिंड्रोम, क्रोनिक पेन सिंड्रोम, रेप ट्रामा सिंड्रोम, डिस्यूज सिंड्रोम, लॉन्ग टर्म बेड रेड इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये सब के सब जो है वो हमारे पास कितने हैं, मतलब सिंड्रोम उसको कहते हैं कि जब कलेक्शन ऑफ जब ज्यादा बीमारियां एक साथ चलते हैं एक क्लिनिकल पिक्चर के थ्रू, तो उनको हम क्या करेंगे, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो पहला पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस के वो कंप्लीट हुआ है और हम दूसरे पार्ट अभी अपलोड करेंगे, तो आप अगर इस पार्ट को अच्छी तरीके से जानिए फिर दूसरा पार्ट भी लाजिमी जानिए, ठीक है। तो केमयू नर्सिंग लेक्चर अहमद के यूट्यूब चैनल को विजिट करें, और आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किया जाए, ये हमारे लिए क्या होते हैं, मोटिवेशन होती है, ठीक है। खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको कामयाब करें।